अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर आप भी वेट लॉस करने के लिए सोच रहे हैं रमजान के महीने में, तो ये बड़ा कॉमन है कि लोग सोचते हैं अरे भाई एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, हम वेट लॉस भी कर लेंगे और हमारी फास्टिंग प्रेयर और इबादत भी हो जाएगी। तो अगर आप नेचुरल वेट लॉस रमजान के महीने में करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपको मदद कर सकती हैं। सबसे पहला है कि आप अपने इफ्तार और अपनी सहरी के मील को प्लान करें कि सुबह ज्यादातर आप फ्रूट, ड्राई फ्रूट और प्रोटीन शेक पिए, और जब आप इफ्तारी करें तब उसमें आप प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, और ऑफ कोर्स घर का बना हुआ। दूसरा, आप सन डाउन यानी सहरी के बाद जब से आप रोजा रखते हैं और जब इफ्तार करते हैं, इफ्तार से लेकर रात को सोने तक 8 ग्लास पानी का टारगेट आपको पूरा करना है। इसमें आप ग्रीन टी भी इंक्लूड कर सकते हैं। सन डाउन यानी इफ्तारी और नमाज के बाद आप वॉक पे भी जा सकते हैं। जनरल 5,000 कदम अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। एक्सरसाइज को अवॉइड करिए वरना वीकनेस आ सकती है। इसके अलावा आप ओवर ईट को अवॉइड करें, ओवर ईटिंग नहीं करनी है।